हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे बीकॉम सेमेस्टर 5 का जो लेटेस्ट सिलेबस होने वाला है 2020-22 का, उसको लेकर हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। आज के वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि टोटल कितनी बुक है, कौन कौन से सब्जेक्ट है, कितने प्रैक्टिकल है, कितने थियोरिकल, सबसे मेन किस सब्जेक्ट की बुक में क्या चेंजेस हुआ है, उस सबको लेकर भी मैं बात करना। तो नई बुक परचेस करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा और सारे स्टूडेंट्स को भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा जिससे उनको भी हेल्प हो सके। कोई क्वेरी लगती है तो मुझे कमेंट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बता दो, आपके इस सेमेस्टर के अंदर बीकॉम सेमेस्टर 5 में टोटल 7 बुक होने वाली, जिसके अंदर 4 बुक जो रहेगी वो थियोरिकल रहने वाली है और 3 बुक जो रहने वाली वो प्रैक्टिकल रहने वाली। अब डिटेल में एक एक बुक का कंटेंट भी चेक कर लेते हैं। मैं बताना चाहूंगा ये हम लोग जो सिलेबस है गुजरात यूनिवर्सिटी का डिस्कशन कर रहे हैं, अदर यूनिवर्सिटी का अलग हो सकता है। तो पहले हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को ही लेकर बात करें तो गुजरात इंग्लिश दोनों के लिए यूजफुल रहेगा, मैं दोनों में ही बताने वाला हूं। पहली ये जो बुक है आप देख रहे हो संचालकीय हिसाबी पद्धति मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब इसका कंटेंट अंदर देख लेते हैं, चैप्टर को चेंजेस हुआ नहीं फिर भी हो सके तो 2021-22 के बाद की बुक लीजिएगा जिससे आपको नए सम्स भी देखने को मिलेंगे। तो कंटेंट में कुछ चैप्टर के मैं नाम बता देता हूं, आप देख रहे होंगे टोटल 8 चैप्टर है, कुछ नाम मैं इंग्लिश गुजराती दोनों में पढ़ लेता हूं। गुणोत्तर विश्लेषण, रेशियो एनालिसिस, रोकड़ प्रभाव पत्र, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ अंदाज पत्र, कैश बजट, कुछ ये चैप्टर आपके रहने वाले हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। फर्स्ट हो गया यहाँ पर प्रैक्टिकल, सेकंड प्रैक्टिकल की मैं बात कर लेता हूं, ये भी हमारा अकाउंटिंग है ठीक है, लेकिन ये पड़तर अने नाणा की हिसाबी पद्धति कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और ये बुक में ही चेंजेस हुआ है प्रीवियस ईयर में। तो प्लीज इस बुक को तो याद रखिएगा, आपको लेटेस्ट ही परचेस करनी पड़ेगी, 2021 के बाद की ही बुक लेनी पड़ेगी जिसके थ्रू आपका कंप्लीट नया सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा। सिलेबस कुछ ऐसा है, ये हमारा कंटेंट है जिसमें प्रोसेस कोस्टिंग 1 प्रक्रिया पड़तर नंबर 1 या प्रक्रिया पड़तर 2, यहाँ पे 2 चैप्टर देखने को मिलेंगे। चेंजेस यहाँ पर हुआ है यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 में आपको चेंजेस देखने को मिला है। संयोजन एमलगमेशन और अगला है समावेश एब्जॉर्प्शन और बाह्य पुनर्रचना एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, ये 2 चैप्टर अलग कर दिए गए, जो पहले एक साथ हुए करते थे वो अलग कर दिए गए हैं। एक बार मैं आपको यहाँ पर चैप्टर दिखा रहे, टोटल 6 चैप्टर है ठीक है, क्लियर हुआ होगा। तो ये बुक याद रखिएगा, आपको लेटेस्ट ही परचेस करनी रहेगी। सेकंड हो गया, अब तीसरी में बात करें तो जो आप जानते हैं हमारा तीसरा सब्जेक्ट होता ही है आंकड़ा शास्त्र स्टेटिस्टिक, इसके कंटेंट में कोई चेंजेस हुआ नहीं है फिर भी हो सके 2019 के बाद की बुक लीजिएगा जिससे और लेटेस्ट सम्स आपको देखने को मिलेंगे, और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तो लेटेस्ट ही लीजिएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए कंटेंट में वही 4 यूनिट है और 4 चैप्टर ही है, नाम बोल देता हूँ, इंग्लिश गुजराती दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहेगा। संकलन इंटरग्रेशन पॉइजन का चैप्टर दिया गया, प्रक्रिया नियंत्रण जो हमारा ग्राफ वाला है, प्रोसेस कंट्रोल, जत्था नियंत्रण ठीक है, लॉट कंट्रोल, तो ये हमारा है स्टेट, क्लियर हुआ। तो 3 सब्जेक्ट आपने देखे, तीनों 3 हमारे प्रैक्टिकल है। बोलना चाहूंगा आप सुधीर प्रकाशन या बीएसआर कोई भी ले सकते हो और लेटेस्ट ही लीजिएगा 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। अब बात कर लेते हैं थियोरिकल, जो हमारे 4 बुक बची है एक एक करके उसके बारे में डिस्कशन कर लेता हूं। ये हमारा है कॉमर्शियल कम्युनिकेशन पैटर्न्स ऑफ लाइफ, जो मैं 2019 के बाद हुआ है सिलेबस, तो उसके अकॉर्डिंग ही न्यू बुक ही लीजिएगा। कंटेंट कुछ बता लेता हूं यहाँ पर, जैसे कि प्रेस रिपोर्ट इसमें आने वाला है, साथ साथ में और कौन सा कंटेंट है, इंश्योरेंस के लेटेस्ट आने वाले हैं ठीक है, बाकी आप देखकर समझ जाओगे। सीसी के बाद अगली बुक की बात करें, जो नया सब्जेक्ट इन्वॉल्व होने वाला है, जो पहले टैक्सेशन हुआ करता था करवेर, अब वो आपके पास नहीं रहेगा, उसकी जगह ये न्यू बुक इन्वॉल्व की गई है जिसका नाम है धंधा कीय कायदा बिजनेस लो। ये कंप्लीट थियोरिकल सब्जेक्ट होने वाला है, फिर भी लेटेस्ट ही लीजिएगा क्योंकि चेंजेस तो कुछ हुआ नहीं 2017 के बाद, फिर भी लेटेस्ट लोगे तो बेटर रहेगा, आपको स्टडी करने में आसानी रहेगी। उसके बाद एक और थियोरिकल बुक यहाँ पर 3rd नंबर की, ये हमारा व्यवहार में मार्केटिंग संचालन मार्केटिंग मैनेजमेंट इन प्रैक्टिस, कंटेंट में कोई चेंजेस हुआ नहीं है, सिलेबस सेम टू सेम है, फिर भी लेटेस्ट लोगे तो बेटर रहेगा, आपको पढ़ने में आसानी रहेगी ठीक है। ये हो गया हमारा अगला और लास्ट जो हमारा थियोरिकल टॉपिक रहेगा जो हमेशा होता ही है, वो हमारा अर्थशास्त्र इकोनॉमिक, जहां पर ये टॉपिक के रिगार्डिंग वाला ही टॉपिक होना चाहिए ठीक है, ये भी लेटेस्ट लीजिएगा 2019 के बाद का ही बेटर रहेगा। यहाँ पर 4 कंटेंट आप देख रहे हो, वही 4 यूनिट में हमारा होता है, जैसे आयोजन प्लानिंग के बारे में बताएगा, उसके बाद फुगाव जैसे कि इन्फ्लुएंसर ठीक, ये हमारा है इकोनॉमी। तो इसी के साथ ये 4 थियोरिकल बुक आई होप क्लियर हो चुका होगा। थियोरिकल बुक के अंदर कुमार प्रकाशन लोगों तो बेटर रहेगा जिससे कंटेंट थोड़ा अच्छे और इजी लैंग्वेज में लिखा गया होगा, ये हमारे 4 थियोरिकल बुक। और साथ में बात करते हैं प्रैक्टिकल, तो 3 जो प्रैक्टिकल बुक है हो सके तो सुधीर प्रकाशन या बीएसआर की ले सकते हो, और इस प्रैक्टिकल के लिए लेटेस्ट 2021 के बाद की बुक लेने का प्रेफरेंस कीजिएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद भी कोई क्वेरी लगती है सब्जेक्ट के रिगार्डिंग को सिलेबस के रिगार्डिंग, तो इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट कीजिएगा और प्लीज रिक्वेस्ट इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा जिससे और सारे स्टूडेंट्स तक हम पहुंच सके, उनकी भी हेल्प कर सके। प्लेस में जाके कंप्लीट सिलेबस ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया गया है, वहां से अपनी स्टडी अभी से स्टार्ट कर सकते हो। और
कोई वीडियो चाहते हैं कुछ सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक में, तो मुझे उसके रिगार्डिंग भी आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।